नमस्कार। हाँ गुरुदेव, एकदम बढ़िया आवाज है आप। बाकी सभी जितने साधक हैं गुरुदेव, जितने हमारे साधक हैं जो सुन रहे हैं, तो प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा, क्योंकि थोड़ा व्यवधान होता है। जितने भी सुन रहे हैं वो आराम से सुनिए, बैठ करके म्यूट रख करके। बाद में देखेंगे गुरुदेव के आदेश से, कुछ पैसे अगर लेने होंगे तो हम एंड में जो है वो ले सकते हैं। धन्यवाद गुरुदेव, आप कंटिन्यू करिए। तो ये हमारा चौथा कंसेक्यूटिव सेमिनार है, और पिछले तीन सेमिनार में हम लोगों ने बात की फासिया, फासिया नेटवर्क, फासिया कम्युनिकेशन, और एक्यूपंचर के माध्यम से फासिया कम्युनिकेशन को क्रिएट करना और किसी भी प्रकार के रोग को दूर करना। ये था एक्यूपंचर वे ऑफ ट्रीटमेंट, और जिसमें किसी प्रकार के पॉइंट को याद करने की जरूरत नहीं थी, जिसमें जो रूल है वो रूल प्राण के प्रवाह का, मसल्स के डायरेक्शन का, और जहां जो अंग रोगग्रस्त है उसका ख्याल रखा जाता है। इसमें ना तो कोई मेरिडियन का कॉन्सेप्ट है, नहीं किसी प्रकार के पॉइंट को याद करने की जरूरत है, क्योंकि फासिया किसी एक जगह आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं है। तो थोड़ा सा पीछे जो हमने किया थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, कुछ लोग नए भी होंगे और कुछ लोग पुराने भी होंगे, फिर भी सभी के लिए एक रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला नए लोगों के लिए है कि फासिया, इतनी बातें कर रहे हैं, फासिया है क्या? अभी तक हेल्थ के क्षेत्र में, हेल्थ के फील्ड में जितने भी लोग काम कर रहे थे, 500 से ज्यादा थेरेपी है, और सभी लोगों को अपने अपने प्रकार से रिजल्ट मिलता था और मिलता है भी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है ये जो रिजल्ट का आधार है वह फासिया के नेटवर्क में एनर्जी के फ्लो के ठीक होने से होता है। तो ये जो वर्ड है फासिया, पहले इसको समझें, फिर दूसरा वर्ड है फासिया नेटवर्क, और तीसरा है फासिया नेटवर्क में एनर्जी का फ्लो। जो फासिया नेटवर्क में एनर्जी का फ्लो है उसको कहते हैं फासिया कम्युनिकेशन। तो इन सारे जो हेडिंग्स हैं उनका संबंध हमारे हेल्थ से कैसे है, और हम बीमार होते हैं तो क्या होता है, बस इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करके फिर आज बिना एक्यूपंचर के माध्यम से वाटर, जल के ऊर्जा के प्रभाव को, प्रवाह को ठीक कर सकते हैं, और वही जानेंगे हम विदाउट एक्यूपंचर। आइए पहले जानते हैं फासिया। फासिया एक कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे शरीर में मेम्ब्रेन के रूप में, झिल्ली के रूप में एग्जिस्ट करता है। यह खोज कुछ समय पहले ही, ये बहुत सारे अनुसंधानकर्ता मेडिकल साइंस के और अदरवाइज भी एक्यूपंक्चरिस्ट, इन लोगों ने अनुसंधान के दौरान पाया कि शरीर का कोई भी अंग रोगग्रस्त है तो वहां पर क्या होता है कि एनर्जी का फ्लो ब्लॉक्ड हो जाता है। इंसिएंटली इसको दूसरे ढंग से एक्यूपंचर में, एक्यूप्रेशर में, योग में इसको दूसरे ढंग से कहा गया कि प्राण का प्रवाह की ब्लॉक्ड हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है कहा गया, लेकिन उसका कंक्रीट जो
एग्जिस्टेंस है और उसका निदान है वो हाइपोथेटिकल था, मतलब प्राण का प्रवाह नारी में होता है, 75,000-72,000 नारी है, प्राण का प्रवाह मेरिडियन में होता है, 14 मेरिडियन है बॉडी में और उसी से होता है, ठीक है अपनी जगह वो प्रिंसिपल ठीक है। लेकिन जब फासिया को खोजा गया तो पाया गया कि फासिया जो मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क है, उस मेम्ब्रेन में एनर्जी का सर्कुलेशन होता है, फ्लो होता है, और ये परमिशन इसका फ्लो का फासिया के द्वारा होता है। तो फासिया मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन कहां है शरीर में, कहां है? आइए यूनिट सेल को ख्याल कीजिए, आपका बॉडी का सबसे न्यूनतम इकाई है कोशिका सेल, और आपको पता है सेल भी मेम्ब्रेन, सेल का जो आउटर लेयर है जो सेल को एक स्ट्रक्चर देता है, प्रोटेक्ट करता है, वो है सेल मेम्ब्रेन। और वहां से शुरुआत होती है सेल का क्लस्टर टिश्यू, टिश्यू का अपना एक मेम्ब्रेन है, और टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन का अपना एक मेम्ब्रेन है, और ऑर्गन के बाद पूरा बॉडी। अब आप ध्यान कीजिए, आपके स्किन के ठीक नीचे एक पतली सी झिल्ली है, वो भी एक मेम्ब्रेन है जो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। इसके साथ ही जितने भी वाइटल ऑर्गन है, जितने वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन सेल्स है, हार्ट है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सबके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, और ये सारे मेम्ब्रेन इस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, ये जो मेम्ब्रेन है ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है कि अनकट है, बॉडी में पूरा इंटरकनेक्टेड है, और इसको अगर बाहर निकाला जाए तो इसकी लंबाई पूरी दुनिया को कवर कर लेगा, फिर भी खत्म नहीं होगी, इतनी लंबी नेटवर्क है बॉडी के अंदर। और इस नेटवर्क में ऑल द टाइम विदाउट फेल 24 आवर, विदाउट योर अवेयरनेस और विद योर अवेयरनेस, आप महसूस करते हैं, आप महसूस नहीं भी कर सकते हैं, आपकी एनर्जी में, एनर्जी आपके बॉडी में एनर्जी का फ्लो का, प्राण के प्रवाह का। कुछ लोग प्रबुद्ध यौगिक तरीके से हैं, कुछ लोग इस तरह की उनमें आत्मशक्ति है, इस तरह का उनमें क्षमता है कि वे अपने प्रवाह को समझ पाते हैं, बहुत लोग का इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन ये जो प्राण का प्रवाह है वह एक नेटवर्क में हो रहा है, यह खोज लिया गया, यही है फासिया। और अब कोई हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट की जरूरत नहीं है, अंधेरे में तीर मारने की जरूरत नहीं है, आप जो भी थेरेपी करते हो, जो भी ट्रीटमेंट करते हो, वह फासिया के कम्युनिकेशन पर इंपैक्ट डालता है, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट मेथड है। और अगर फासिया और फासिया के कम्युनिकेशन को आप समझते हैं तो आप बहुत अच्छे प्रकार से किसी भी रोग को दूर कर सकते हैं और आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो फासिया और फासिया नेटवर्क हमने बताया, और इस फासिया नेटवर्क में एनर्जी का फ्लो विदाउट फेल हर हमेशा होते रहता है। अब आइए कि रोग की उत्पत्ति, अलग अलग सिद्धांतों में अलग अलग, अलग अलग पैथी में अलग अलग प्रकार से इसे रिप्रेजेंट किया गया है। बहुत सिंपल वर्ड में अगर हम समझना चाहें तो जब बाह्य या आंतरिक, अंदर इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर से
ये जो झिल्ली है इस पर अगर प्रभाव पड़ता है तो ये मेम्ब्रेन ऑटोमेटिक काम करता है। अगर एक्सटर्नल फैक्टर कोई है, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हुआ, तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ फासिया क्या करता है, वहां प्रोटेक्ट करने के लिए टाइट कर लेता है। एंड वो जो फासिया टाइट होता है वह कल्मिनेट करता है फासिया ब्लॉकेज, कम्युनिकेशन को जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा होता है उसमें इंटरप्शन होता है या उसमें डिफिशियंसी हो जाती है, एनर्जी का जो फ्लो है वह ब्लॉक्ड हो गया, वहां से रोकित। ये एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर हो सकता है आपका मेंटल कंडीशन, नंबर वन, नंबर टू आपका भोजन, नंबर थ्री आपका मूवमेंट, नंबर फोर आपका टेम्परेचर बॉडी का या वातावरण का, नंबर फाइव पानी। ये सारे फैक्टर जो हैं वो आपके फासिया के कम्युनिकेशन को इंटैक्ट रखता है। इसमें अगर किसी तरह का माल फंक्शनिंग हुआ, कैसे माल फंक्शनिंग होता है, मेंटल कंडीशन आपका, अगर दो तरह के मेंटल कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं, एक वेरी हाई स्टेट, मैंने पिछले सेमिनार में बताया हाई स्टेट का क्या मतलब होता है कि आपका जो मन की स्थिति है वो पॉजिटिव और ऑल द टाइम हैप्पीनेस, एक वर्ड है खुशनुमा, तो ये हायर स्टेट है। और इसका ठीक अपोजिट लोअर स्टेट, स्टेट ऑफ माइंड, जहां पर आप क्या है, बिल्कुल लो एनर्जी में है, आप मन, आपकी मन की स्थिति बिल्कुल नकारात्मक है और आप बिल्कुल हरेक चीज को नकारात्मक अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। ऐसे में जो हायर स्टेट है इसमें फासिया का कम्युनिकेशन हायर स्टेट में हायर तरीके से होता है, मतलब बिल्कुल 100% बिल्कुल बिना बाधा का होता है, और जैसे ही लोअर स्टेट में आते हैं तो कम्युनिकेशन ब्लॉक होने लगता है। तो मेंटल कंडीशन इस तरह से भोजन का है, ये मैंने पीछे बार बार बताया है, आज थोड़ा सा आपको जो नए लोग हैं उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। हम जो अभी हमारा जो खाना है वो कई प्रकार के खाने हैं, एक है जो प्राणवान खाना बोलते हैं जिसे एनर्जी फूड बोलते हैं, आपको अंदाजा लग गया हो क्या है एनर्जी फूड, जो फ्रेशली अवेलेबल है, नेचुरोपैथी में कहते हैं कच्चे चीज, ठीक है, जो फ्रेश है लोकल अवेलेबल है, क्या है वो, फ्रूट सीजनली अवेलेबल, सब्जियां सलाद। एंड सेकेंड कैटेगरी है अर्ध प्राण, जब उसे पका देते हैं, कोई भी अन्न है, कोई भी ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसे आप डायरेक्टली नहीं खाते, पका कर खाते हैं। और थर्ड है पका कर उसे पैक कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं और उसके बाद खाते हैं। तो जो थर्ड कैटेगरी का है वो है निष्प्राण, मतलब वो फासिया की कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देता है, आप रोग ग्रस्त हो जाते हैं, और ये मेडिकली प्रूफ हो रहा है, सारे लोग जान रहे हैं, जितने भी जंक फूड हैं आज, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, थायराइड हो रहा है, तमाम तरह के ऑटो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो रहा है, कारण क्या है, जंक फूड का ज्यादा से ज्यादा यूज। इसी प्रकार से टेम्परेचर आपका, अगर इन्वायरमेंट में कोल्डनेस ज्यादा है तो आपके फासिया का कम्युनिकेशन इंपैक्ट होगा, और वार्मनेस है तो वो फ्री फ्लो रहेगा, इसीलिए इसका उपयोग थेरेपी के रूप में भी होता है। आपने सुना होगा ना हॉट एंड कोल्ड, हॉट क्या मतलब है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करके कम्युनिकेशन को, फ्लो को स्टैब्लिश करना, और इस पर कई थेरेपी इस पर आधारित है। इसी प्रकार से मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट पर एनर्जी का फ्लो, फासिया का फ्लो डिपेंड करता है। बॉडी में एप्रोप्रिएट मूवमेंट करने से फासिया का कम्युनिकेशन
अच्छे प्रकार से होता है। एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन, एप्रोप्रिएट मूवमेंट का क्या मतलब है? एक लाइफ स्टाइल है जिसे कहते हैं सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, जहां आपका मन, दिमाग, ब्रेन काम करता है, बॉडी बिल्कुल स्टैटिक रहता है, कोई मूवमेंट नहीं। ऐसे में आदमी जल्दी बीमार हो रहे हैं, ये साइंटिफिक रिसर्च है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल लीड्स टू ग्रीवियस डिजीजेस, और आधे से ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से है। तो लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल प्रोपोर्शनेट टू डिजीज, और एक्टिव लाइफ स्टाइल प्रोपोर्शनेट टू हेल्थ। एक्टिव का मतलब हो गया मूवमेंट। अब देखिए मूवमेंट पर कितने प्रकार के थेरेपी, फिजियोथेरेपी, योगा, एक्सरसाइज, डांस, ये वो कितना है, ये सारे अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्रक्स है कि अगर आप मूवमेंट को ठीक से समझ पाते हैं, अगर फासिया को समझ पाते हैं आप, तो आप योग को बहुत अच्छे प्रकार से करा के या करके स्वस्थ रह सकते हैं। अब हमारा जो आज का विषय है उस पर हम आ रहे हैं। आज का विषय है वाटर, जल, पानी, और जल ही जीवन है, ये सुना होगा। और आपको पता है आपके शरीर में जल का जो परसेंटेज है, फ्लूइड का, लिक्विड का जो परसेंटेज है वो 70% है, 70%, माइंड इट। और कभी आपने गौर किया है कि 70% के लिए आपको कितना वाटर का कंजम्पशन करना चाहिए? आपको कभी पता है कि हम कम पानी पी रहे हैं? और कम पानी पीने से क्या, साइंटिफिकली ये प्रूफ रिसर्च किया गया है कि जब पानी का कंजम्पशन कम होता है, इसे नोट करिए और बहुत बहुत ही पते की बात है, तो ब्रेन सेल्स पहले डिहाइड्रेटेड होता है, डिहाइड्रेशन इन द ब्रेन सेल्स, एंड व्हेन ब्रेन सेल्स डिहाइड्रेटेड इट गिव्स इफेक्ट टू द होल बॉडी। अब क्या हो गया, डिहाइड्रेशन से फासिया क्या होता है, टाइट होने लगे, क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का फ्लो नहीं होगा ठीक से, क्या होगा, आगे लीड्स टू ग्रीवियस प्रॉब्लम, इंडोक्राइन सिस्टम, सिंपैथेटिक पारासिंपैथेटिक इंबैलेंस, कितनी बड़ी बात है, ऑटोइम्यून सिस्टम डिजॉर्ब, सिंपल किससे, ओनली वाटर। और आपको पता है वाटर की कम कंजम्पशन से ऑटोइम्यून सिस्टम करेक्ट होता है, जो कोई दवाई से नहीं होता, रिवील करेंगे और आप जानेंगे किस प्रकार से हमारे हेल्थ को ठीक रख सकता है, ठीक रखता है, और किस प्रकार से। अभी तक आपने फासिया कम्युनिकेशन समझा, और अभी हम लोग वाटर पर बात कर रहे थे। फासिया वाटर क्या है, एक वर्ड है ना, फासिया वाटर, वाटर जो फासिया के कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करता है और उसे ठीक ढंग से बनाए रखता है, उस वाटर कहते हैं फासिया वाटर। ठीक, क्लियर। अब ये फासिया वाटर है क्या, तो देयर आर टू फैक्टर, फासिया वाटर में दो फैक्टर करें, एक क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सेकंड क्वालिटी ऑफ वाटर, इन दोनों मिलकर फासिया वाटर का फॉर्मेशन होता है, और उसका विशेष प्रकार से कंजम्पशन आपका फासिया कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता था, आप हेल्दी होते। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर। अभी हमने आपको बताया 70% क्वांटिटी। अब फॉर एग्जांपल एक आदमी का वजन है 40 या 50 किलो और उनकी हाइट है 5 feet 2 inch, कितना पानी पीना चाहिए? ऐसा नहीं थंब रूल सबको 5 liter पीना चाहिए, नेवर। According to weight and the height and your thrust,
आपको किसी को भी आपके प्यास का पता चलता है। हेल्थ का एक बहुत बड़ा साइन है भूख और प्यास। क्या आपको प्यास लगती है? प्यास का आपको एहसास है? और यदि प्यास का एहसास नहीं है तो यह बहुत बड़ा साइन है आपके अनहेल्दी होने का। तो हम कैसे पता लगाएंगे? इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है। एक किलो पर, एक किलो वजन पर और एक फीट के ऊपर, ऑंस 0.1 to 0.5, मतलब आप 10 ग्राम 10 मिलीलीटर से लेकर 50 मिलीलीटर तक, सॉरी एक किलो नहीं, वो आ जाता है एक 1 inch and 1 gram। तो एक जो 5 feet का आदमी है और वो 60 किलो का है तो उसको लगभग 2.5 से 3 किलो पानी पीना चाहिए, और वही 100 किलो का है और 6 feet लंबा है तो उसे लगभग 5 किलो, 4.5 से 5 किलो पानी पीना चाहिए। एक अंदाजा आपको, तो इसमें 70% जो है पानी आपको पीना है। पीना मतलब 70% आपको पानी के का लेवल मेंटेन करना है, फ्लूइड को मेंटेन करना है। तो उसमें पानी है और पानी के जैसे जो भी तरल चीज है, जैसे जूस है लिक्विड, जैसे मिल्क है, जैसे फल है, आपको पता है फल जूस ये सब में पानी का कितना परसेंटेज है? 99%। आप एक टमाटर खा लो आपको पानी प्यास बुझ जाएगी क्योंकि उसमें पानी ही है। आप पानी नहीं पीना चाहते आप टमाटर खा लो, सेम आपको प्यास लग रही है, बोतल का पानी जा रहे हो, बोतल का पानी मत लो, जस्ट टेक एनी वाटर, पानी से भरा हुआ कोई भी फल या सलाद, टमाटर है या संतरा है, आप एक खाली देखिए पानी आपका प्यास बुझ जाए। वो जो क्वालिटी है पानी का, वो जो आपके बोतल का पानी है उसे 1000 गुना वो बेहतर है। और बोतल का पानी तो जहर है, सॉरी बुरा नहीं मानिएगा, ऐसे जहर है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एनीवे आगे जब हम लोग क्वालिटी पर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा इस बात का। तो जब वाटर का लेवल 70% से कम होने लगता है बॉडी में तो ब्रेन सेल्स डिहाइड्रेटेड होता है और उसके बाद इसका प्रभाव बॉडी के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर के जो बॉडी पर कमांड है वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू और इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू बॉडी फंक्शन करता है। तो आप अंदाज कीजिए जब डिहाइड्रेशन होता है तो क्या होगा? माय गॉड, पूरा सिस्टम इंबैलेंस हो जाएगा। दूसरा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है उसमें पानी की बहुत बड़ी उपयोगिता है और जरूरत है। अगर आप अंडर लिमिट पानी पीते हैं तो आपका डाइजेशन का लास्ट जो है जहां पर बायफर्केट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, सेग्रीगेट होता है वाटर एंड फिशेस, मल, पानी की कमी से क्या हो गया? सूख गया। और वहां जो सेग्रीगेशन होता है वाटर का, वो वाटर जो बड़ी आंत है वो वापस बॉडी में भेजता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। यहां पर इम्यून सिस्टम से कैसी रिलेशन है ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइंटिफिकली ये बिल्कुल रिसर्च्ड एंड प्रूव्ड है। और पानी का अंडर कंजम्पशन होता है, सूख गया तो क्या हो गया, कौन सा प्रॉब्लम होता है? कॉन्स्टिपेशन। और क्या होता है? पाइल्स, अलग अलग प्रकार के। और क्या हो सकता है? कितने प्रकार, 100 प्रकार के समस्याएं, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, अल्सर, पता नहीं क्या क्या रोग की जननी
पाचन तंत्र है, अगर ये आपका सही नहीं है, चेहरा आपका साफ है, चमक रहा है, तो आपका पेट साफ है। चेहरे पे दाग है, इसका मतलब पेट के अंदर माल फंक्शनिंग है। स्किन में अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो पेट में दिक्कत है, और वो कहां से दिक्कत है, पानी की वजह से। खाना भी है लेकिन पानी पर, आज हम पानी पर चर्चा कर रहे हैं तो बता रहे हैं वो क्या है। अब आइए क्वालिटी ऑफ वाटर, फासिया वाटर कैसे बनेगा। क्वांटिटी से हमने फासिया के कम्युनिकेशन को समझा, अब क्वालिटी, बोतल की ही बात करते हैं। बोतल का पानी, बोतल का पानी मैंने पैक्ड वाटर, पैक्ड वाटर मतलब कंपनी में पैक पानी। तीन चीजें पानी के अंदर है जो पानी आपके हेल्थ को प्रभावित करता है, क्वालिटी में आता है। पहला एसिडिक और अल्कलाइन, आप समझते हैं एसिडिक अल्कलाइन। पीएच वैल्यू है, सेवन से ज्यादा, सेवन से कम। सेवन से जैसी कम होने लगता है वो एसिडिक होने लगता है, और सेवन से जैसी ज्यादा होने लगता है वो बेस अल्कलाइन होने लगता है। आप लिटमस पेपर का इस्तेमाल करके सिंपली अपने वाटर को जान सकते हैं। रेड लिटमस पेपर ब्लू होने लगा तो अल्कलाइन है, और ब्लू लिटमस पेपर रेड होने लगा या येलो होने लगा तो वो लिक्विड जिसमें आप डालते हैं वो एसिडिक है। उसके कलर पर कितना एसिडिक है ये सिंपली आप पता कर सकते हैं। आप जो भी पानी पीते डाल के देखो, तो मैं आपको बताता हूं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें आप डाल के देखो, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। एसिडिक है। और आपको पता है इस तरह के जितने भी बिवरेज हैं, बिवरेज जो पैक्ड हैं, प्रोसेस्ड हैं, आप पीते हैं जितने भी, चाहे वो फ्रूट जूस है, पैक्ड मिल्क ही क्यों ना हो, पैक्ड कोई भी अल्कलाइन नहीं है, माइंड इट। आपको टेस्ट करना है, लिटमस पेपर डाल के टेस्ट करो, खुद टेस्ट करो, मेरी बात पे विश्वास मत करो, आप टेस्ट करो फिर उसके बाद देखना। तो जब एसिडिक एक हो गया, एसिडिक फ्लूइड का जब कंजम्पशन होता है तब बॉडी में, बॉडी के अंदर उसका जो प्रभाव है वो एसिड की तरह होगा, तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगा, फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे, फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे और फासिया के अलग अलग जगहों पर उसका उसको टाइट करने लगेगा, और धीरे धीरे हमें विभिन्न प्रकार के कौन कौन से रोग होते हैं, आर्थराइटिस, गाउट, कहीं भी पेन, जकरन, ये क्या है, टाइट हो गया वहां एकदम, देखो फ्रोजन शोल्डर होता है एकदम टाइट हो जाता है, हम लोग नीडल लगाते हैं फटाफट, फ्रोजन शोल्डर हमारे लिए चुटकी करता हूं। नी एकदम स्टिफ हो गया, कहीं ना कहीं चाय, चाय अमृत मानते हैं आप लोग, जहर है, जहर चाय एक तरह का जहर है, दूध मिलाकर पीते हैं लोग, कोई नहीं समझते। मैं लोगों को बताता हूं, मेरे पेशेंट हैं, जब मैं कहता हूं तो कहते बिना चाय का जीवन कैसे जिएंगे, ये संभव ही नहीं है। जितने एसिडिक वाइब्रेशन हैं वो आपको आपके फासिया के कम्युनिकेशन को क्या करता है, ब्लॉक करता है। अब आइए इसके अपोजिट, जो कि अल्कलाइन है। क्या अल्कलाइन है, क्या आरओ वाटर आपका अल्कलाइन है, पैक्ड जो बोतल वाला अल्कलाइन है, नहीं, उसका पीएच 7 से ज्यादा नहीं है, हो सकता है न्यूट्रल हो लेकिन मोस्टली स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली, और ऐसे में वो बहुत खतरनाक है। हम अभी इस टॉपिक को ही रहने देते हैं, आगे फासिया वाटर कैसे बनाएंगे इस पर बात करेंगे। इसमें
जो हमारा दूसरा तीसरा फैक्टर है वो आएगा, इसलिए उसको यहां विराम देते हैं। और इसके बाद जो क्वालिटी ऑफ वाटर का सेकंड फैक्टर उस पर आते हैं वो है मिनरल। आप जितने भी तरह के पानी हैं उस पानी में अगर मिनरल नहीं है, स्वाभाविक रूप से आरओ वाटर में मिनरल नहीं है, और है भी तो बहुत कम है, जिसको नापा जाता है टीडीएस। अगर आपके आरओ वाटर का टीडीएस 100 से कम है तो आप खतरनाक स्टेज में जा रहे हैं। टीडीएस हमेशा 100 से ज्यादा होना चाहिए। 100 से कम का मतलब आपके पानी से मिनरल को निचोड़ दिया गया। इसे आपका गला कोई निचोड़ देगा, गला मरोड़ देगा तो क्या होगा। वैसे ही पानी में प्राण है और वो मिनरल की वजह से उसको निचोड़ दिया गया तो उसका प्राण ही खत्म हो गया, तो वो आपके प्राण को अर्थात आपके फासिया को निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा अगर ऐसे वाटर कंज्यूम। देखिए रिसर्च आया कि आरओ वाटर के कंजम्पशन से जितने भी तरह के इंडोक्राइन सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी तरह के जैसे डायबिटीज, थायराइड, ये सारे आरओ वाटर की वजह से हो रहा है। आश्चर्य होगा क्योंकि उसमें मिनरल्स नहीं है, और कई लोगों का मिनरल्स मतलब टीडीएस 25 है, बड़े मजे में पी रहे हैं, मीठा पानी, पता नहीं कितना खतरनाक है मालूम ही नहीं। तो जब भी आप आरओ वाटर को आपका जो भी मैन्युफैक्चरर है जिसे भी लेते हैं, आप बोलो 100 से ज्यादा इसका टीडीएस रखो, और अगर सप्लाई वाटर में आपका 100 से नीचे है टीडीएस तो उसको आपको आरओ लगाने की जरूरत नहीं है, रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल आप प्यूरिफिकेशन यूवी लैंप या सिंपल जो कैंडल वाला भी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपली उसका इस्तेमाल करके पानी को उबाल सकते हैं, उबालने की भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूं वो पानी को आयनाइज भी करता और बैक्टीरिया फ्री करता है, डिसइंफेक्टेड। तो थर्ड क्वालिटी जो है, फर्स्ट अल्कलाइन और एसिडिक, सेकेंड मिनरल और डी मिनरल, एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन रिच। पानी में एनर्जी है तो कैसे है? आप कभी पहाड़ों पर गए हैं? पहाड़ पर आप झरने के नीचे कभी आप बैठकर एहसास किया? कई लोग पानी पीते हैं चश्मे का, लेकिन जब आप बैठते हैं तो क्या होता है? नवीन बताओ क्या होता है? आप तो बहुत बार बैठे होंगे और बहुत लोग बैठे होंगे, मैं बता रहा हूं, आपका उस समय मन बिल्कुल अलग स्थिति में आ जाता है, खुशनुमा, विदाउट एनी रीजन आप प्रसन्न महसूस करते हैं, एकदम चेंज होता है। क्यों? पानी जब ऊपर से गिर रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच इन्वायरमेंट हो रहा है, और इस प्रिंसिपल का कई एसी मैन्युफैक्चरर ने यूज किया कि एसी से जब हवा अंदर आती है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच आयनाइज्ड एयर, आपने एयर आयनाइजर भी सुना होगा और अब वाटर आयनाइजर भी सुन रहे हैं, उसका काम होता है जो इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा से ज्यादा फ्री करना। वाटर में इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे हो सकता है? हो सकता है। इस चीज को जापान के बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर हिमालय का वाटर लिया, अल्प्स का वाटर लिया, ऑस्ट्रेलिया के कुछ जगह का वाटर लिया, कुछ चश्मों का लिया, और यहां तक कि मक्का मदीना में एक वाटर है उस वाटर को भी लिया, जापान में कई जगह सारे वाटर की क्वालिटी, पाकिस्तान में एक नदी है उस जगह के लोग 100 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं, सारे हेल्दी हैं। ऐसे ऐसे जहां जहां हेल्दी लोग एग्जिस्ट करते हैं और ऐसे वाटर रिसोर्सेस के पास जो व्यक्ति जाकर अपने हेल्थ को बिल्कुल 100% क्योर कर लेते हैं, उस वाटर पर रिसर्च हुआ तो पाया गया वो जो वाटर है उस वाटर में इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होता है?
हमारे यहाँ पहले कुआं था और चापाकल। कुएं में जब पानी ऐसे बाल्टीन ऐसे गिराया जाता है और गिराकर जो ऊपर लाते हैं तो उसी समय उसमें इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता। अभी भी कई कुएं का पानी मेडिसिनल पानी माना जाता है और कई लोग उस पानी का इस्तेमाल करते हैं तो कई रोगों से मुक्त होते हैं। उसका वजह है कि वो जो पानी है वो आपके फासिया को करेक्ट करता है, इसीलिए कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है। और ऐसे पानी को, इलेक्ट्रॉन रिच पानी को, जापानीज साइंटिस्टों ने नॉर्मल वाटर को किस तरह से इलेक्ट्रॉन रिच बनाया जा सकता है, उन्होंने नैनो प्लेट लगाकर पानी को आयनाइज किया। आयनाइज किया तो उसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुए और पानी से, पानी में इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन रिच हुए, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है ये, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकली वो चेंज नहीं होता है। वापस थोड़ी देर छोड़ दोगे तो वापस फिर वो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन खत्म हो जाएगा। और इस पर आपने देखा होगा आयनाइज वाटर पर कई मशीन आए हुए हैं, कैगन जिसमें कैगन है, और आयनाइजेशन के बोतल है, हाइड्रोजन बोतल जिसमें पानी डालने के बाद वो आयनाइज होता है, हाइड्रोजन लिबरेट होता है, ये भी आपने टेक्नोलॉजी सुना होगा। लेकिन एंशियंट जो विजडम है हमारा, एंशियंट साइंस हमारा, इस टेक्निक को बहुत पहले से जानता, वाटर को आयनाइज करना, अल्कलाइन करना और डिसइंफेक्टेड करना, ये है फासिया वाटर को बनाना। अब देखिए फासिया वाटर कैसे बनाएंगे। लास्ट इस जो हमारा वेबिनार है उसका क्रक्स है ये, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। तांबा, कॉपर, वाटर की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। अगर आपका वाटर स्लाइटली एसिडिक है तो वो अल्कलाइन बनाता है। और वाटर में किसी भी तरह का बैक्टीरिया या कोई भी गंदगी है जो आपको दिखता नहीं, नैनो पार्टिकल बोलते हैं, आपको पता है प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में रखने से या प्लास्टिक से वाटर सप्लाई आ रहा है तो उसमें प्लास्टिक का नैनो पार्टिकल है पानी में, और आपको जरूरत है उस नैनो पार्टिकल को रिमूव करने का। और रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ सिंपल जो हमारा एशियंट मेथड उसको यूज करना है। ये मेरा रिसर्च है और मेरे जैसे लाखों लोगों का रिसर्च है और करोड़ों लोगों का, हमारे जो पूर्वज हैं उनका रिसर्च है। आप समझ रहे हैं, मेरे माध्यम से आप जान रहे हैं और आपके माध्यम से लाखों लोग जानेंगे, हजारों लोग जानेंगे। ये खोजा हुआ है, ये मेरा है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, मैं एक माध्यम हूं आपको बता रहा हूं। तो जो तांबे का पात्र है, आप लीजिए कोई भी घड़ा, जग, कोई भी तांबे का पात्र, लेकिन ऐसा नहीं उसमें पानी डाल देंगे वो काम करने लगे, नहीं नहीं, बोतल में पानी रखकर पीना कभी भी सही नहीं है। तांबे की बोतल में बहुत लोग, मैं भी पहले पीता था, बहुत पहले की बात है, विदाउट नॉलेज। पानी रखने से पहले किसी भी तांबे के पात्र में, नंबर वन, आपको नींबू नमक से उसके इंटरनल सरफेस को साफ करना होगा। तांबे की कोई भी पात्र जिसको आप यूज करेंगे, पानी रखने से पहले नींबू नमक से साफ करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, उसमें, उस पात्र में पानी को कम से कम 6 to 8 hours छोड़ेंगे विदाउट एनी सकिंग, मतलब हिलना नहीं चाहिए, एक जगह स्थिर रहना चाहिए। क्यों, उसके बारे में भी मैं बता रहा हूं क्यों करना चाहिए। और आफ्टर 8 hours तब उस पानी को आप शीशे के बर्तन में, स्टील के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में निकाल लीजिए और फिर कंज्यूम कीजिए। दिस इज द फासिया वाटर, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट यू। और फिर दोबारा
यदि आप पानी को रख रहे हैं तो नींबू नमक से पहले साफ करो। क्यों, ये क्यों जरूरी है? Why? तांबे का जो प्योर तांबा है उसको क्वालिटी है कि पानी को अंदर में उसका जैसे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस वैसे ही विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोसेस जनरेट होता है पोलराइजेशन, तो अपने सरफेस पर जितने भी नैनो पार्टिकल उसको अट्रैक्ट कर लेता है और पानी को जब स्ट्रक्चराइज करता है। स्ट्रक्चराइज क्या मतलब है? पानी का अपना स्ट्रक्चर है मालूम है, मैं ये भी बता रहा हूँ पहले ये समझ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8 आवर में पानी स्ट्रक्चराइज हो गया, स्ट्रक्चर पानी आयनाइज हो गया और डिसइंफेक्टेड हो गया, जितने भी नैनो पार्टिकल है वो सरफेस पर अट्रैक्ट हो गए। उस पानी को जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल का रिडक्शन होना शुरू होता है क्योंकि वो पानी आपके फ्री, आप बस आज के तारीख में 99% लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है। आपको मैं कह रहा हूं आप यूज करिए इस तरह से पानी का और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 3 दिन में आप महसूस करें आपका एसिडिटी गायब हो गया। सिंपली इस तरीके से तांबे के बर्तन में रखो, नींबू नमक साफ करो, 8 घंटे रखो और उसके बाद उसी पानी को पीते रहो। 3 दिन में महसूस करेगा आपका एसिडिटी गायब हो गया, कॉन्स्टिपेशन गायब हो गया। तो ये कैसे करता है? आयनाइजेशन से और स्ट्रक्चर और नैनो पार्टिकल को। तो अगर बिना साफ किए पानी को दोबारा रख देते हैं तो वो क्या हो गया, जो इंप्यूरिटीज उसके सरफेस पर वापस फिर से उसमें मिल जाएगा और जो पोलरिटी की वजह से उसमें जो एसिडिक मीडियम है वो वापस, आपको पता है ना कि जो कॉपर में नींबू से लगाते हैं तो कॉपर सल्फेट बनता है, उसको तूतिया भी बोलते हैं, वो जहर है एक्चुअली, उसका आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। साफ करते हैं उस लेयर को, साफ हो जाता है पानी से, एकदम चमचम करने लगता है और फिर सब जो गंदा होता है तो वो नीला कलर दिखता है, तूतिया है वो। तो ये एक समय में जहर भी हो सकता है, माइंड इट, अगर साफ नहीं करते हैं तो आपको हानि भी कर सकता है और साफ करते हैं तो आपके लिए लाभकारी, दोनों है, दोधारी तलवार है, ये हमेशा ध्यान में रखना। साफ नहीं कर सकते हैं तो यूज मत करना। स्ट्रक्चर ऑफ वॉटर क्या है, हमने अभी बात की आपको जापानी साइंटिस्टों जिन्होंने वाटर में इलेक्ट्रॉन की मात्रा को किस तरह से बढ़ाया जाए वो टेक्नोलॉजी निकाला, लेकिन नेचुरली जितने भी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेस चाहे कुआं हो या पहाड़ से गिरता हुआ पानी हो, गंगोत्री यमुनोत्री का पानी क्यों हेल्थ को करेक्ट करता है, क्यों, क्या है उसमें? तो आपको पता है हिमालय तो औषधियों का भंडार है और जब वहां से पानी निकलती आती है तो कितने मिनरल्स हैं उसमें, मिनरल रिच है और जब वो गिरता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन माय गॉड भरपूर मात्रा और जब वो आप कंज्यूम करते हैं, अच्छा और साथ में वो अल्कलाइन है, ये भी बात है, वो एसिडिक नहीं है। जब आप कंज्यूम करते हैं किसी तरह का प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। ये जितने भी तरह के मेडिसिनल वैल्यू के वाटर हैं, केवल हम हिमालय की बात नहीं कर रहे, आपके गांव में भी कोई ऐसा कुआं हो, दिल्ली में मेहरौली में एक ऐसा कुआं है जिसके पानी को पीने से बहुत तरह के रोग ठीक होते हैं, क्या यही अब कुआं का तो सिस्टम ही खत्म हो गया? तो जो कुएं में रात भर पानी होता है उसके बाद आप बाल्टी डालते हैं और निकालते हैं तो समय वो स्ट्रक्चर हो गया, जब निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। स्ट्रक्चर पानी का होता है, क्या होता है? तो एक जापानीज साइंटिस्ट ही उसने बहुत सारे, उन्होंने काफी सारी बुक लिखी है वाटर के ऊपर और उसमें
वाटर की मेमोरी की बात की है और स्ट्रक्चर की बात की है कि पानी में मेमोरी होता है, पानी में मेमोरी है और ये मेमोरी, अब देखिए फासिया कम्युनिकेशन मैंने कहा था मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है और वाटर की मेमोरी मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है। कनेक्शन देख लीजिए, अगर आपका पॉजिटिव मेंटल स्टेट है तो आपका वाटर जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वैसे ही वो उसको लेगा, आपको इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव। अगर निगेटिव मेंटल स्टेट है कंज्यूम कर दें तो आप वो जो पानी है वो पानी उसी तरह से, तो ये क्या होता है, ये निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, बहुत ही खराब इन्वायरमेंट, खराब इन्वायरमेंट कहां, शोर शराबा धूम धाम पोल्यूशन, शांति कोई पोल्यूशन नहीं, अच्छा इन्वायरमेंट, वोल्केनो इरप्शन खराब इन्वायरमेंट, ठीक है। इन जगहों के पानी को लेकर देखा गया, उन्होंने क्या किया, पानी को एक स्लाइड में रखकर जमाया और जमाने के बाद अलग अलग पानी को देखा माइक्रोस्कोप से, तो कुछ पानी का स्लाइड मेरे पास शायद है, गरिमा जी स्लाइड दिखा सकती हैं? जी सर। अभी ये पानी का आप देखेंगे स्ट्रक्चर जो अच्छे रिसोर्स, आप पेज शेयर कीजिए, तो अच्छे इन्वायरमेंट में पानी के स्ट्रक्चर को देखा गया तो वो क्रिस्टल बना बहुत बढ़िया, जैसे कि ऑक्टागोनल क्रिस्टल, हेक्सागोनल क्रिस्टल से हीरे में होता है और वो, और वेल्केनो के पास के पानी का तो वो जो, ये देखिए डिस्गस्टिंग इविल एंड लव, जो अच्छे इन्वायरमेंट में पानी रखा गया और जहां पर शांति थी, जहां पर मन का भाव जो था वो पॉजिटिव एंड प्रेम से भरा हुआ था, उस जगह के पानी को जब क्रिस्टलाइज किया गया तो ये जो मिडिल में है इस तरह का क्रिस्टल दिखा। ये आपको एक पूरा स्ट्रक्चर्ड, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड, ये आपके मेंटल कंडीशन पर निर्भर करता है। तो जब भी आप पानी पिए, जैसा भी पानी है, पानी को अपना संवेदना दे, क्या कोई भी भाषा में, आप हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, मैं हिंदी बोल रहा है, जल देवता आप मुझे उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करो, ऐसे इंटेंशन दे सकते हैं और पानी पी सकते हैं। ये पानी 100% आपके फासिया को करेक्ट करेगा, ठीक है। सिंपल एक और इसका उदाहरण है कि आप पानी, दो ग्लास पानी रखो, एक को लव करो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एक को गाली दो, अरे बेकार फालतू खत्म पानी है, बेकार पानी है, ठीक है, बस इतना कह दो, दो अलग अलग ग्लास, और इसमें लिख दो गंदा, लिखकर उसमें साट दो, इसमें लिख दो बहुत अच्छा, ठीक है, और दोनों में चावल डाल दो। एक्सपेरिमेंट किया गया, मैं आपके वाला आपको बता रहा हूं, हमने भी किया और हम बहुत पहले लोगों ने किया। डाल दो चावल को, 3 दिन के बाद देखो, जिस पानी को बोलो अच्छा उसमें पानी, उसमें चावल वैसे ही है, एकदम फर्स्ट क्लास वाइट। दूसरा जिसको आपने गाली दी है पानी को, उसका जो चावल है वो अलग होगा, मतलब वो जो पानी है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो मेमोरी है वो बिल्कुल नेगेटिव हो गया और उसका इंपैक्ट चावल के ऊपर, अगर चावल के ऊपर नेगेटिव पड़ा, क्या आपके ऊपर नहीं पड़ सकता है, आपके ऊपर ही पड़। स्लाइड हटा लीजिए, जब भी आप पानी पिए, पहला तो आपको फासिया वाटर बनाना है। फासिया वाटर कैसे बनाएंगे, एक लीटर 5 लीटर जितने परिवार में लोग हैं, आप उस कैपेसिटी का आप
पानी का रखने के लिए तांबे का पात्र ले आइए और उसे आप नींबू नमक से साफ करके उसमें आरओ का पानी नहीं, अब मजबूरी है तो हम नहीं कह सकता, लेकिन आरओ का पानी मजबूरी, दूसरा मेरी भी मजबूरी है, लेकिन उस आरओ के पानी को आप उसका टीडीएस 100 से ऊपर रखिए। अगर आपका पानी ठीक है तो आरओ की जरूरत नहीं, आप पानी को उबाल लीजिए या फिर कैंडल में कैंडल वाला रखकर उसको आप फिल्टर कर लीजिए और फिर आप तांबे के पात्र में, जो आयनाइजेशन का काम होगा स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा और प्यूरिफाइड हो जाएगा। उस पानी को जब भी आप पी रहे हैं, जब भी पी रहे हैं, या तो एक और तरीका है उसको अभिमंत्रित कीजिए। आप धर्म किसी भी जाति किसी भी चीज से संबंधित रखते हैं, आपके सभी धर्म में कोई ना कोई मंत्र है और उस मंत्र के द्वारा पानी को अभिमंत्रित करना कहते हैं और करके तो ए, ए, एक मिनट, ये कोई वायर लूज है आपका स्पीकर का माइक्रोफोन का जो खर्र खर्र की आवाज आ रही है सर? वो दूसरे हैं, कोई सर हैं डॉक्टर साहब हैं जो ज्वाइन हो रहे थे, हाँ इनका आ रहा है। सर आपका, सर आपका म्यूटेड हो गया है श्री सर, प्लीज एक बारी सॉरी अनम्यूट करें एक बारी। नहीं नहीं उसको म्यूट कर दो ना जो डॉक्टर साहब का डिस्टरबेंस है सर उसका। हाँ जी वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बार बार उनका अनम्यूट हो। तो सर जी अभिमंत्रित वाला दोबारा बोलिए एक बार। हाँ जी ठीक है, आप यहाँ पर फाइनल जो अभी हमारा जो चल रहा है ये फाइनल है और इसको अच्छी तरह से समझिए, नोट कीजिए। आपका जो पानी का सोर्स है आरओ है या सप्लाई वाटर है, उसका टीडीएस 100 से ज्यादा होना चाहिए। स्पीकर अगर माइक्रोफोन का है शायद वायर लूज है। सर आई हैव डन इट, इट वाजंट फ्रॉम श्रीश सर, देयर इज वन डॉक्टर साहब हु हैव, सर आई हैव डन इट, अब आप इजीली बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आप बर्तन को नींबू नमक से साफ करेंगे, साफ करने के बाद जो पानी आपके पास है उसको उसमें डाल देंगे 8 घंटे के लिए छोड़ दो और 8 घंटे के बाद फिर उस पानी को निकालकर शीशे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए और उस पानी को आप कंज्यूम करते रहिए। आपको किसी तरह का हेल्थ का इशू है, वो हेल्थ का इशू आपका ठीक होने लगेगा विद इन 3 डेज। आपको सिम्टम्स मिलेंगे, मतलब इजीनेस का, नंबर वन। नंबर टू, पानी का कंजम्पशन किस प्रकार से करना है, मॉर्निंग डे एंड इवनिंग एंड नाइट। वो जो पानी है 8 घंटे का रखा हुआ, ज्यादा अच्छा है कि रात में पानी रखें और सुबह में वो आयनाइज होकर। तो पहला कंजम्पशन मॉर्निंग में उठते ही पानी का कीजिए, जिसे कहते हैं उषापान, और उषापान हमारी प्राचीन परंपरा है। उषापान करने से आपके तमाम रोग दूर होते हैं और इस तरह का पानी का अगर आप करते हैं तो फासिया का कम्युनिकेशन बिल्कुल पहला शुरू हुआ। अब मैं उनके लिए जिनको पेट की समस्या है, खासकर कॉन्स्टिपेशन, उनके लिए एक और टेक्निक देने जा रहा हूं, एक और रहस्य आपको बताने जा रहा हूं, एक और बहुत ही उपयोगी तरीका बताने जा रहा हूं। आप अपने लिए 4 ग्लास पानी, लगभग 1 लीटर पानी रखिए तांबे वाले, हल्का सा गुनगुना कर दीजिए उसमें और उसमें नमक डालिए इतना जितना में कि वो नमकीन हो जाए। जिनको कॉन्स्टिपेशन उनके लिए मैं बता रहा हूं, सबके लिए नहीं है, सबके लिए नमक डालना नहीं है, जिनको कॉन्स्टिपेशन उनको नमक डालना है। नमक डाल के अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो सेंधा नमक और लो ब्लड प्रेशर है तो नॉर्मल सॉल्ट, नमक डालकर आप
दो ग्लास पानी पियो घटाघट, विदाउट मतलब रुकना नहीं है, और उसके बाद आप 5 मिनट का वॉक करो। या अगर योग्य आदमी हो तो तरासन, त्रियक तरासन, कटी चक्रासन, 3 आसन है, एट एट आवृत्ति करो। और आपको बहुत लोग समझ भी गए, इसे लघु संघ प्रक्षालन का शॉर्ट फॉर्म है जिसे पेट के क्लींजिंग के लिए यूज करते हैं। 5 मिनट वॉक करिए या 3 आसन करिए एट ए टाइम, फिर 2 ग्लास पानी पीजिए। 2 ग्लास पानी पीने के बाद आप फिर से 5 मिनट वॉक कीजिए। ये जो नमक वाला पानी है क्या होगा, आपके बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो मूव करेगा आंतों में, और फाइनली वो आपको प्रेशर बनाएगा और आपका पेट साफ करेगा। ये केवल 5 दिन करना है, एवरी डे नहीं। उसके बाद आप पानी 1 लीटर ही पीजिए, बट नमक नहीं डालिए। सामान्य लोग 1 लीटर पानी सुबह सुबह पीने का आदत डाल, मॉर्निंग इकट्ठे नहीं, 1 ग्लास पिया, 2 ग्लास पिया, फिर थोड़ी देर के बाद 2 ग्लास। ये एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग से उठने के बाद आप बिना मुंह धोए भी पी सकते हैं, और मुंह धोने के बाद नाश्ता से पहले तक आप 1 लीटर पानी कंज्यूम कर जाएंगे इन द मॉर्निंग। यू मस्ट कंज्यूम 1 लीटर वॉटर। द वॉटर, एक आदमी का रिक्वेस्ट है इंग्लिश में बताने का, तो मैं थोड़ा सा उनके लिए कर रहा हूं। फर्स्ट यू मेक फासिया वाटर। हाउ यू विल मेक फासिया वाटर? यू पुट वाटर इन ए कॉपर यूटेंसिल एंड बिफोर पुटिंग वाटर यू वॉश विद द लेमन एंड सॉल्ट, ओके, एंड लीव इट फॉर 8 आवर्स मेकिंग फासिया वाटर, देन इट बिकम फासिया वाटर। हाउ? I have explained already, and then you start consuming from the morning, okay? And then first consumption जो है, आपको consciousness नहीं भी है, पियो यार क्या दिक्कत है? तो आपका जो पहला ये जो पानी का consumption है, वो आपके acidity को ठीक करेगा, ठीक है? This is the fascia water because this is going to create free flow of fascia communication inside the digestive system, inside the skin, inside the brain system, inside the heart, inside the lungs, inside everywhere. You understand? So that's why this is the fascia water. And when you consume morning, it is more than enough medicine. Okay? More than medicine. And then second fascia water is coconut water. Second fascia water, note it. Second fascia water is coconut water. So you must consume in the morning in empty stomach coconut water. Have you seen? आप coconut को जब छीलते हो ऐसे करके एक पहला धार मारते तो ऐसे फुच से पानी निकलता है, वो क्या है? Force, tremendous force. From where it come? It is life force. कहां से आया इसके अंदर में, कहां से आया? इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है, और आप अगर उसको कंज्यूम नहीं करते तुरंत, फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। सेम थिंग विद ऑल द फ्रूट्स, यू मस्ट कंज्यूम फ्रूट, जूसी फ्रूट, फॉर मेंटेनिंग योर फासिया कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, नारियल पानी के बाद आप फ्रूट ऐसे खाओ, जूसी जूस के रूप में, या जूस निकालो तुरंत पी जाओ, रख कर नहीं, पैक्ड नहीं, वो पैक्ड वाला जो मार्केट, वो नहीं, वो जहर है। मैं फासिया वाटर के साथ ये सारे चीज बता रहा हूं, जो फासिया लिक्विड के माध्यम से आप फासिया को करेक्ट कर सकते हैं, और आप अपने कोई भी हेल्थ इशू को ठीक कर सकते हैं विदाउट एकुपंचर, माइंड इट। देन यू मस्ट ईट जूसी वाटरी सलाद, एंड देन यू मस्ट यूज जूसी वाटरी वेजिटेबल। जिस वेजिटेबल में पानी नहीं उसको कंज्यूम मत करो। किस में नहीं है? आलू, कटहल, गोभी, अरबी,
जिसमें नहीं है उसको मत खाओ, अगर आप बीमार हो उसको मत खाओ, एलिमिनेट करो, खत्म। जिसमें है वाटर उसको यूज करो, सब्जी। अब देखो 5 दिन इसको फॉलो करके देखो, माय गॉड, आप महसूस करोगे कि मैं दूसरा आदमी बन गया, गारंटीड, नॉट 100%, 200%। यहां तक सबको क्लियर हो गया या कोई कंफ्यूजन है? मैंने अभी तक जो बताया आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। डॉक्टर श्यामलाल सर, प्लीज अपने आप को म्यूटेड रखें अगर आपको कुछ नहीं पूछना हो तो, बिकॉज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है आपके उससे। आप उठा सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या ओके, थैंक्स थैंक्स So I've already mentioned it in the chat box that the procedure for the fascia water that you have okay. explained. Okay, fine. Now, अब हम आपको अगला जो बात बताने जा रहे हैं, ये सारी चीजें एक चीज नहीं है। फासिया कम्युनिकेशन को हम इंटैक्ट रख सकते हैं, कर सकते हैं और उसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं। मैंने अभी तो आपको एक जानकारी दी, इस तरह से एक नहीं कई जानकारियां हैं एक्यूपंक्चर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से बताया, बॉडी मूवमेंट के माध्यम से उसमें कई प्रकार के सिस्टम आ जाएंगे, हीट के माध्यम से इसमें कई प्रकार के सिस्टम आ जाएंगे, मोक्सीबसन आ जाएगा हीट, और डाइट के माध्यम से भोजन, इसकी क्वालिटी के बारे में चर्चा की। ये सारे हम एक कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसमें लगभग 9 से 10 पेपर हैं और 1 साल का वो कोर्स का ड्यूरेशन है, 1 ईयर, और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगा है और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्टिफिकेट देगी। आपको एग्जाम देने होंगे, 3 मंथ आप क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रहकर पूरा प्रैक्टिस करेंगे। जब आपका प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा तब फिर आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। सर्टिफिकेशन ऐसे नहीं होगा आप कोर्स कर लिया आपको हो गया, आपको हमारे जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना होगा, वो है 100 आवर का प्रैक्टिकल हमारे साथ और एक अंडरस्टैंडिंग और वो प्रोजेक्ट वर्क होगा। कोर्स ऑनलाइन, बट जो प्रैक्टिकल वर्क है वो मेरे या मेरे जितने भी लोग, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, जैसे अमर जी हैं पटना में है, जैसे मंजुनाथ है बंगलोर में है ना, और जैसे प्रदीप देशमुख जी हैं जो मुंबई में हैं, और और बहुत सारे लोग हैं जो इनके क्लिनिक, ये ऑलरेडी बहुत बड़े डॉक्टर हैं। प्रदीप देशमुख जी का 3-4 क्लिनिक है मुंबई में, और ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है इनका। यही नहीं, इनके लड़का और इनकी वाइफ ये लोग सारे कर रहे हैं, और इनका लड़का भी मेरे पास आकर सीख रहे हैं, और ये भी आए थे, तो ये लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं। अगर आपको जरूरत होगा तो हम इन लोगों के पास भी आपको भेजकर वहां पर प्रैक्टिकल सेशन पूरा करवाएंगे। लेकिन ये जो कोर्स है बहुत ही बेहतरीन, और जिसमें जितने भी तरह की कंफ्यूजन है उसको दूर रखा गया है। कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी भी चीज को याद करनी, बट कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और आपको रिजल्ट दिखाएंगे, वो रिजल्ट आपका कॉन्फिडेंस होगा, आपको बैक ऑफ माइंड। क्या होता है कि जितने भी एक्यूपंक्चरिस्ट है या जितने भी थेरेपिस्ट है उनको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, बैक ऑफ माइंड कंफ्यूजन रहता, अरे ये पॉइंट होगा नहीं होगा, ये सही है नहीं, जैसे ही ये बात आया आपके दिमाग में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं सही बोल रहा हूं प्रदीप जी? बिल्कुल सही है सर, 100% सही है, 100% सही है सर। इतना फायदा मुझे मिला सर, जिंदगी में नहीं मिला सर। और ज्योति सर, हाँ जी, आपका कॉन्टेक्ट नंबर सबको लिखा दीजिए अभी। कॉन्टेक्ट नंबर ये जो है अभी डिस्प्ले कर रहे हैं वो नवीन जी, हर वक्त मचाता रहता है, ऐसे मत करिए, गाड़ी में बैठे नवीन जोशी हैं,
पूरा माहौल हम लोग के घर का तबाह किए हैं। मुझे अभी पूरा करने दीजिए प्लीज। आवाज कट रहा है सर, म्यूट हो गया सर, म्यूट हो गया। आप लोग पहले गुरुजी को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद ही सारी चीजें बताएं। हम लोग इस कोर्स में हम लोग एक तो एक्यूपंक्चर वे ऑफ फासिया कम्युनिकेशन सीखेंगे, जिसमें एक्यूपंक्चर का एक डायरेक्ट एक्यूपंक्चर फासिया के ऊपर किस प्रकार से होता है वो है। उसके बाद होलोग्राफिक एक्यूपंक्चर है जिसमें पॉइंट नहीं है लेकिन होलोग्राफ है। स्काल्प एक्यूपंक्चर है, ईयर एक्यूपंक्चर है, नोज एक्यूपंक्चर है, आई ऑर्बिट एक्यूपंक्चर है, बहुत लोग फेस एक्यूपंक्चर है, एब्डोमिनल एक्यूपंक्चर है। इसके माध्यम से ये एक्यूपंक्चर का अलग अलग चीज है जो आप सीखेंगे हमारे कोर्स में। मतलब एक कंप्लीट, कुछ भी नहीं छूटे, लेकिन उसमें मेरिडियन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। नो। इसके बाद नॉन एक्यूपंक्चर वे ऑफ फासिया कम्युनिकेशन, जिसमें एक पीएनएसटी है, पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन, बहुत बेहतरीन चीज है। डॉक्टर हिरोशी नकाटा जापान के अगेन न्यूरो फिजिशियन, जिन्होंने और यहां पर पूरे वर्ल्ड में वो फैला और हम इसका अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका यूज करते हैं और बहुत बढ़िया इसका इंपैक्ट है। एक्यूपंक्चर के बीच का करी है जिसमें नुकीले जो पेन है जिसको नकाटा पेन बोलते हैं, टाइटेनियम से बना, उसे हम प्रिकिंग करते हैं, इसीलिए इसका नाम है प्रिकलिंग, नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी या प्रिकलिंग, नर्व प्रिकलिंग स्टिमुलेशन थेरेपी। इसके अलावा हम इस कोर्स में मूवमेंट के द्वारा अर्थात योग के द्वारा कैसे फासिया कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इसके अलावा हीट के द्वारा कैसे कर सकते हैं, उसे फासिया हीट बोलते हैं। इसके मैंने पूरा पेपर है, 9 पेपर है, पूरा सिलेबस है। ये सारे सिलेबस आपको अब दे दिए जाएंगे। अब अभी तो आज हमारा फासिया वाटर पर था, इसमें हम लोग लॉन्च बने, ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ये सारा विषय वस्तु है, आपको मिलेगा, 9-10 पेपर है और पूरा कॉम्प्रेंस जितनी भी चीज है वो सारी चीज इसमें आ जाएगी, ठीक है। उसमें डाइट न्यूट्रिशन आ जाएगा, खाने के पानी के बारे में हम समझा ही आपको बताए ही पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली। और इसके अलावा आपको एक ऐसा सिस्टम, ये सारा सिस्टम में है, आप फॉलो करेंगे जिससे कि आप डायग्नोसिस कर पाए। कैसा डायग्नोसिस, कोई भी आपके पास आया आप उसको पूछे बिना, आपने डायग्नोसिस किया क्या, नारी परीक्षण आपने डायग्नोसिस किया, आंख आई डायग्नोसिस आपने डायग्नोसिस किया, टंग डायग्नोसिस आपने डायग्नोसिस किया, फेस डायग्नोसिस पूरा बॉडी, आप उससे पूछे बिना आपने उसके बारे में बताना शुरू किया, या उस वो पहले ही बता दिया मुझे मुझे सर में दर्द है, मुझे यहाँ घुटने में दर्द है, ठीक है बता दिया मुझे, है ब्लड प्रेशर, ठीक है। जब आप नारी परीक्षण करते हो, सारे परीक्षण करके आप बोलते हो आपको ना एनर्जी की डिफिशियंसी है, आपका सांस फूलता है, आप जल्दी थक जाते हो, आपको सर में दाहिने तरफ दर्द है और छाती में लेफ्ट साइड में दर्द है, ये कैसे मालूम है, बस। अब जब हम उनको बताते हैं उनका दिमाग घूम जाता है, ये तो हमें किसी टेस्ट से पता नहीं चल सकता है। तो ये जो डायग्नोसिस का जो एक टूल है वो एक ताकत है आपका, और जब आप इसे डायग्नोसिस करते हो और तब जब आप फिक्स करते हो कि किस तरीके से इनको ट्रीटमेंट देना है, तो वो जो ट्रीटमेंट 100% वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव होता है। और वही मैं अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूँ, वही आपको सिखाऊंगा। और इसको हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया है, और उस प्रॉपर स्ट्रक्चर कोर्स के माध्यम से, इसका फी 50,000 है, लेकिन इनॉगरेबल फी है 50% का। सभी लोगों ने कहा सर आप म्यूट हो गए, ज्यादा से ज्यादा लोग
उठा पाए, और कोरोना का समय है तो हमें इसे बिजनेस मॉडल नहीं सोशल मॉडल में लाना है। आपको पता है ये सारे चीज सीखने जाएंगे तो 1,00,000 से ज्यादा खर्च करेंगे तो भी नहीं सीख पाए, मैं बता रहा हूं। ओरिकल थेरेपी, पीएनएसटी, स्काल्प, अलग अलग चीज सीखने जाएंगे, योगा थेरेपी अलग अलग सीखने जाएंगे तो आप सीख भी नहीं पाएंगे, और सीखेंगे भी तो अलग अलग, तो उसका कंपाइलेशन नहीं होगा। लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप लोगों की, टाइम भी उतना ही कंज्यूम होगा, बट एक क्रक्स नहीं ले पाएंगे। वो एक जगह आपको एक क्रक्स मिलेगी, और 50% का डिस्काउंट हम अभी अनाउंस कर रहे हैं, और ये आपका आता है 25,000। अभी हमने पहले कहा था 40,000, लेकिन नाउ इट इज 25,000 गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हूएवर वांट टू ज्वाइन, आप ज्वाइन कीजिए। अब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अक्षय से और नवीन जोशी जी से और प्रकाश जी से भी कर सकते हैं, और हमारे जितने भी ओल्ड एलुमनी है उनसे संपर्क करके हमारे से जुड़ सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, प्रोसेस सिलेबस हम आपको हमारे ग्रुप में जो लोग हैं उनको और जो जो लोग हैं आपको मिल जाएगा, आप देखकर आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आप आ सकते हैं और आपने आपको इनरोल कर सकते हैं। 15 अप्रैल तक हमारा एडमिशन प्रोसेस चलेगा, 15 अप्रैल के बाद कोर्स शुरू होगा फर्स्ट बैच। ऑलराइट, बहुत 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 धन्यवाद गुरुदेव, आपने जानकारी दी और आपने ये सारा कुछ बताया, उसके लिए आपने अपना नॉलेज दिया, हमारा मार्गदर्शन किया। तो ये था आज का हमारा वेबिनार, इसमें जितने भी चीजें बताई, हमारा कोर्स जो है वो 1 ईयर का बताया जैसे गुरुदेव ने, तो गुरुदेव के ही उसमें क्या है, 10 पेपर है जिसमें की जो थ्योरी है वो हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे। हमारे गुरुदेव हैं, और भी टीचर हैं, योग के एक्सपर्ट हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, और गुरुदेव तो हैं ही, उनके माध्यम से हम लोग थ्योरी को जानेंगे कि क्या है और उसके पीछे का कारण क्या और ये क्यों होती है। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाँ, क्वालिफिकेशन, ये क्वेश्चन आया है, क्वालिफिकेशन रखिए है हमने जो डिप्लोमा होगा उसमें ग्रेजुएशन, लेकिन अगर 12 के बाद किसी का योग में, ऑल्टरनेटिव किसी थेरेपी में आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है तो कर सकता है, नेचुरोपैथी है या कोई भी अन्य कोर्स है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो जो है ग्रेजुएशन है, एनी स्ट्रीम, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है। और प्रैक्टिकल जो क्लासेस है वो प्रैक्टिकल क्लासेस हमारे जो सेंटर है उसमें होगा, आपको वहाँ पे आना पड़ेगा, और जैसे ट्रीटमेंट करते हैं तो गुरुदेव ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको बताएंगे। और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका कि प्रैक्टिकल आपने जरूर ज्वाइन करना है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये नेसेसरी है कि आप लोग 3 मंथ तक चलेगा। हाँ गुरुदेव, 3 मंथ के अंदर ही आपको प्रैक्टिकल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ताकि आप 3 मंथ। गुरुदेव आप थोड़ा म्यूट हो गए। क्लिनिकली 3 मंथ अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद आप हमारे साथ में, हमारे क्लिनिक में या हमारे जितने और जगह जितने भी ट्रेंड लोग हैं उनके क्लिनिक में आपको 100 आवर पूरा करना पड़ेगा, वो जरूरी है 100 आवर करना। और yes. इसमें जो दिल्ली में है वो दिल्ली में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि गुरुदेव यहीं पे है, दिल्ली में है, और जो लोग बाहर हैं मुंबई से या अदर किसी स्टेट से तो वहां पे भी सेंटर है, तो वहां पे भी आप लोग जो है आप लोगों की व्यवस्था करा दी जाएगी प्रैक्टिकल, तो ये कंपलसरी है करना 100 आवर। मेरा कभी कभी शिविर होता है उस जगह, हम जितने हमारे लोग होंगे जो कोर्स में इनरोल्ड होंगे उनको वहां पर एक हैंड ऑन ट्रेनिंग हो जाए। हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे जो जहाँ से बाहर से हमारे साथ जुड़ते हैं कहीं से भी, तो वहां पर कुछ दिन का सेमिनार को करने की, जिसमें गुरुदेव आएंगे, हम लोग आएंगे, और आप लोगों को वहां पर जो है प्रैक्टिस वो करा दी जाएगी। और इसमें क्या है कि अटेंडेंस एकदम 100% चाहिए प्रॉपर तरीके से, जिससे आप अच्छे से सीख सकें और अच्छे से जो है इस नॉलेज को ले सकें। जैसे बताया है
इनरोलमेंट आपके शुरू हो चुके हैं, आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बेंगलुरु कर्नाटका सब जगह है, आपको ड्यूरिंग द कोर्स आप लोगों को इस सब चीज की जानकारी दी जाएगी कि कहाँ कहाँ पर हमारे सेंटर है, आप लोगों को 101% हेल्प किया जाएगा। किसी भी बारे में आपको ऐसा नहीं होगा कि हमने ये चीज रह गया, उसके बारे में गुरुदेव पहले से ही उनका नियम है कि जो सीखना है वो प्रॉपर चैनल से ही सीखना है। चेन्नई में भी है, यस यस, चेन्नई ऑल्सो वी हैव सेंटर इन चेन्नई एंड अदर स्टेट। तो ये सारा जितना कुछ है वो हमारे सेंटर है। तो आप लोगों को ये कहना है कि इनरोल का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। यू कॉन्टेक्ट मी एंड मिस्टर अक्षय, हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रोसेस क्या है। नंबर आपको दे चुके हैं, ये प्रोसेस आपको हमारे द्वारा बता दिया जाएगा कि प्रोसेस आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या करना है, कैसे सारी चीज की जानकारी। और हम लोग जो है कॉल करिए आप हमें और हम आप लोगों से पर्सनली फिर इसके बारे में डिस्कशन करें। तो ये पूरा कोर्स का ये टाइमिंग है, आप लोग जुड़िए जो सीखना चाहता है। और आज के इस वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सभी लोगों का मार्गदर्शन किया। अक्षय वशिष्ठ जी, गरिमा जी, आनंद जी, सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। एक केस बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, क्या मुझे इजाजत है आपकी? अरे बोलिए। हाँ बताइए बताइए। 1 फरवरी को मुझे टांगानिया से फोन आया कि उसके पिताजी अहमदाबाद में है और कैंसर का लास्ट है। डॉक्टर ने बोला 48 से 72 घंटे के ऊपर जिंदा नहीं रह सकते हैं। मुझे बोला दूसरे सुबह है कि आप आज निकल सकते हो। तो मैं 2 तारीख को सुबह का टिकट निकला मेरा, लेकिन अहमदाबाद के लिए सीधा टिकट अवेलेबल नहीं थे। वहां पणजी गया मैं, पणजी में 8 बजे का फ्लाइट था, 6:30 बजे फोन आया कि डॉक्टर बोल रहे आज की रात में निकाल नहीं पाएगा पेशेंट, तो आप क्या करेंगे? मैं बोला अभी मैं आधा रास्ता आ चुका हूँ, लेकिन मैं इलाज करूंगा उनका जाके। मैं सीधा उनके पास रात में 11:30 बजे का ट्रीटमेंट किया मैंने पासिया से, और उससे करने के आधे घंटे के बाद वो आदमी अच्छी तरह से बात करना चालू कर दिया। इनको लीवर का लास्ट स्टेज कैंसर था, पैरों से पानी निकला था, वो लास्ट स्टेज है उसमें, और 40% लंग डैमेज था कोरोना फाइब्रोसिस की वजह से, हार्ट प्रॉब्लम था। तो दूसरे दिन सुबह जब मैंने ट्रीटमेंट किया फिर पासिया से, तो पूरा होने के बाद वो इंसान 10 कदम चल के गए और दूसरी बार में आगे 15 कदम चल के। उसके बाद जब मैंने ट्रीटमेंट किया उनका, हर सुबह दोपहर और रात में 3 बार इसका ट्रीटमेंट किया, तीसरे दिन से पैरों से पानी निकलना बंद हो गया, कम होना चालू हुआ, और 7वें दिन पूरी तरह बंद हो गया। और जो डॉक्टर बोलते हैं 48 घंटा निकाल नहीं सकते, वो इंसान आज भी जिंदा है और टांजानिया में अच्छे तरह से गया। मैं धन्यवाद दूंगा आपका, श्री ज्योति सर का इस्तेमाल कर पाया उस चीज का। श्री ज्योति गुरु जी उनके माध्यम से आप लोगों ने ये सुना, डॉक्टर प्रदीप जी ने बताया, तो ये इसका इफेक्ट है और हम लोग इसको करना चाहिए, हमें इसके बारे में और नॉलेज देना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम ऑलरेडी हम लोग जो है वी आर इन द फील्ड ऑफ योगा एंड अदर थेरेपी हम लोग करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि रिजल्ट उतना मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो नेगेटिविटी कई बार जो है उसके अंदर भी आ जाती है जो इलाज करता है, जो एक थेरेपिस्ट है। तो ये चीज इतनी अच्छी है, जब से मुझे भी पता चली, मैं भी काफी टाइम से गुरुदेव से सीखता हूँ करता हूँ, और तब से जो है रिजल्ट और अच्छे होने लग गए। तो ये बहुत, और बहुत सारे लोग हैं, मैं जैसे यहाँ पे हूँ तो अभी ऑनलाइन है काफी सारे स्टूडेंट जिनका मैंने भी किया है, यहाँ पे मुझे दिख भी रहे 2-4 जिन्होंने ज्वाइन भी किया है, उस थेरेपी को उन्होंने यूज भी किया है। अमर है, डॉक्टर अमर है पटना से, मैं बताना ये बताता भी उनको प्रेरित करता हूँ कि बेटा और भी चीज सीखिए। यस यस सर, क्लास टाइमिंग्स क्या होगा? सर क्लास टाइमिंग हम थ्योरी का इवनिंग होगा, जनरली इवनिंग में रहेगा, जिससे कि सब और कुछ मॉर्निंग में भी रहेंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और इसका अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट के हिसाब से कंफर्ट जोन में आपको लेके चलेंगे, जिससे कोई प्रॉब्लम किसी को ना हो।
रिकॉर्डिंग मिल सकता है सर? सर जब क्लासेस शुरू होंगी तो उसमें वो फिर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ग्रुप हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। वी विल ऑलवेज विद यू एंड यू आर ऑलवेज विद मी। आप देख रहे हैं हमारे पुराने जो भी थैंक यू सर, अभी आप देख रहे हैं जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो संबंध है, हमारा जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप केवल कोर्स पर नहीं रहता है, रिलेशनशिप हमारा होल लाइफ बनेगा। और उसमें हम आपके साथ हर हमेशा खड़े हैं, कभी भी कोई भी आपको कोई भी जरूरत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो हम आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको छोड़ते नहीं। ये इसका उदाहरण मैं हूँ। बहुत अच्छा है सर, ये आप क्या बहुत सारे हैं, मैं भी हूँ। मैंने ऑरिकुलर थेरेपी सीखने के लिए दिल्ली आया था, आज तक मैं सर के साथ में जुड़ा हूँ 2016 से। सर मैं भी हूँ, 2012-13 में मेरी भी मुलाकात हुई थी, तो गुरुजी ने उसी तरीके से हेल्प करी थी। और आज भी जब भी कुछ ऐसा होता है, एक फोन जाते गुरुजी गए ठीक है आओ ना मेरे यहाँ पे आओ, तो वहाँ पे जाते हैं बताते हैं ये करो, एक फैमिली रिलेशन बन जाता है। तो मुझे इसकी बात करनी थी एक्चुअली, मैंने अभी भी ज्वाइन किया। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप विल कॉल मी एंड अच्छाई, तो आप हम आपको पूरा बता देंगे। YouTube की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, YouTube की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ग्रुप में मिल जाएगी आपके सारी रिकॉर्डिंग। शिल्पा मैम, I have already shared the Facebook link on which we were online. Watch it from the starting up. And if you have any query, I have already mentioned the contact details. You can call up on these numbers. Thank you. Then thank you, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। आप लोग join करिए और हमसे connect करिए। तो समय भी ज्यादा हो रहा है और गुरुदेव का भी अमूल्य समय आपने दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। दिन भर देखिए कितना एनर्जी है, दिन भर उसमें रहते हैं प्रैक्टिस में, और इतने पेशेंट को देखना और फिर भी अभी इतने अच्छे से और एक डेढ़ घंटे से लगातार अभी जा रहे हैं, तो यही कमाल है योग का और इस थेरेपी का, आप अभी भी लगातार हमारे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू ऑल साधक, ऑल स्टूडेंट, थैंक यू वेरी वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। थैंक यू नवीन सर, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।